क्या हम एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगर पर कर सकते हैं या मैं कर सकते हैं, वॉट एवर, बट द क्वेश्चन इज क्या ये वैल्यूएबल होगा, वॉर्थ इट होगा, राइट? सो गाइज, इस वीडियो में हम यही जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, या ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, या आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगर पे कर सकते हो. सो लेट्स गो. So when you stay on the best in the world and you are watching online money as usual, guys. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड जो बेल का आइकन है यार उसको दबा दो यार, प्लीज उसको दबा दो, बिकॉज ये अलग ही झंझट है और इसको आप दबाओगे तो चैनल की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी कि भाई एक नया वीडियो आ गया है. और इस वीडियो को कर दो लाइक, बिकॉज आपकी लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन और इस मोटिवेशन से आती है डेली एक अच्छी वीडियो. तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या हम ब्लॉगर पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा, इट्स मीन कि ये लाभकारी होगा, व्हाटएवर यू कैन सी माय हिंदी. तो ये लाभकारी है या नहीं है, बहुत इससे लाभ होगा कि नहीं होगा. सो अगर मैं कहूं यस इससे लाभ होगा एंड This is worth it, right? तो गाइस मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, अगर आप समझ गए तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से ये समझ जाओगे कि आप कितना आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इस चीज का यूज करो तो. ओके, सो गाइस देखो, सबसे पहले जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं दे आर एफिलिएट मार्केटर्स, राइट? बिकॉज क्योंकि जो पहले का समय, जो पहले हमको देखना पड़ेगा कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि लोग वेबसाइट में ब्लॉग्स लिखते थे. इट्स मीन कि अगर आपको कोई चीज सेल करनी है तो उसका पूरा रिव्यू डाल देते थे, देन लोग गूगल पे आते थे, ब्लॉग पढ़ते थे एंड उनको दिखता था हाँ भाई ये प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत अच्छा है, लेट्स क्लिक ऑन दैट, एंड देन वो जाते थे उसको चेक करने उनकी वेबसाइट में, अच्छा लगा खरीद लिए तो वो एफिलिएट हो गया, राइट? तो इसकी वजह से जो चीज पहले होती थी उसकी वजह से आज जो ब्लॉगर हैं वो क्लेम करते हैं दे आर एफिलिएट मार्केट, बट इन द रियलिटी दे आर नॉट अ एफिलिएट मार्केट, राइट? दे आर ब्लॉगर, राइट? अब जो समय है ये समय है फनल का. अब जो बड़े प्रो लेवल के एफिलिएट मार्केटर हैं या जो नए आ रहे हैं या मैं, कोई भी एफिलिएट मार्केटर है, अब वो यूज करते हैं फनल. अब आपका क्वेश्चन ये होगा फनल क्या होती है, तो मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी है, आप फनल के बारे में जाके देखो फनल क्या होती है और समझो कि फनल कैसे यूज की जाती है, फनल कैसे बनाई जाती है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं. अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर फनल से एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो क्या ब्लॉगर में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप ब्लॉगर पर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ठीक है, जस्ट एक रिव्यू डालो किसी भी प्रोडक्ट का एंड देन क्या करो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट लगाओ गूगल के थ्रू, राइट? गूगल एडवर्ड का यूज करो एंड जो आपने आर्टिकल लिखा है उसका एक छोटा सा लिटिल अमाउंट पैसा खर्चा करो और गूगल एडवर्ड में एड लगा दो. इससे क्या होगा कि आपको कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिस चीज के बारे में आपने रिव्यू लिखा है वो चीज ऊपर आ जाएगी, लोग कंपटीशन फाइंड करो, जस्ट लोग जाएंगे फाइंड करेंगे, आपका आर्टिकल दिखेगा, रिव्यू अच्छा लिखे रहोगे तो जरूर से लोग जाएंगे खरीदेंगे. अगर आप बहुत ज्यादा उसको इस टाइप का कुछ बना दोगे, मतलब मिली जुली सरकार लाइक दैट, जो हम लोग बचपन में ऐसे कुछ भी लिख देते थे तो हमें टीचर कहती थी कि क्या लिख दिया है समझ ही नहीं आ रहा है, उस टाइप का अगर आप कुछ लिख दोगे तो जो आपका कस्टमर आएगा आपके ब्लॉग में वो वापस चले जाएगा, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड कंफ्यूज माइंड ऑलवेज से नो. आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या होता है कि जैसे ब्लॉग आप लिखने जाते हो तो वहां पर आप बहुत तरह तरह की चीजें लिख देते हो, इतनी चीजें लिख देते हो कि कस्टमर पढ़ते पढ़ते थक जाता है और आपके बाय बटन तक जाने से पहले वो वापस चला जाता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि वो थके ना और उसको कंजट फील ना हो, राइट? इसीलिए हम फनल का यूज करते हैं, बिकॉज उसमें जो चीजें रहती है बहुत सीधी सीधी रहती है, राइट? अगर आपको जानना है कि वेबसाइट और फनल में क्या डिफरेंस है तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाओ चेक करो और देखो कि इसमें क्या डिफरेंस होता है. ओके, एंड
यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन ब्लॉगर, बट यू नीड टू अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स कि क्या प्रॉब्लम आपके कस्टमर को आएंगी और आपको कैसे उनको सॉल्यूशन देना है और कैसे उनको बाय बटन तक लेके आना है। तो अगर वाइजली खेलोगे तो आप आराम से ब्लॉगर पे भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो, आपके भी क्वेश्चन का आंसर वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। अगर भाई थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो तो शेयर का बटन दबा के एक दो ग्रुप में शेयर कर दो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, चार चार घंटे सोच के एडिट करके देन डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसको बस एक या दो ग्रुप में शेयर कर दो या एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बस थोड़ा सा लाइक कर दो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।